निर्मल महतो जी, सुनील महतो जी, सुनील महतो जी और प्रभाकर महतो जी, इनसे बोर्ड जो चालकों का नाम और मान मची ने गुरु पकाए अब देश परिवहना बेजू मुर्मू जी, रामनाथ सोरेन जी, सविता महतो जी, समीर मोहंती जी, मोहन परमकार जी, इंडिया गठबंधन रे सनाम नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, इन्होंने आप लोगों को, झारखंड के लोगों को भी, हिंदुस्तान के लोगों को भी, हमारे प्यारे भारत को भी इतना वादा दिया। खास करके युवा भी खड़े हैं, 2014 में सबसे ज्यादा युवा ने ही भाजपा को वोट किया था, लेकिन आज उनकी उम्र भी बढ़ गई है, 10 साल सबकी उम्र बढ़ गई है, लेकिन रोजगार का एक भी आपको रास्ता नहीं मिला। जहां थे आप वहीं के वहीं रह गए, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा अमीर हुए हैं वो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति अमीर हो गए, और हम जैसे झारखंड के लोग, हम लोग हमेशा गरीब राज्य इसको घोषित कर दिया गया और हमेशा गरीब ही रहते हैं। हेमंत सोरेन जी ने केंद्र सरकार से अपना झारखंड का, आपका अपना झारखंड का 1,36,000 करोड़ पैसा मांगा, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। वो 1,36,000 करोड़ हमारे यहाँ के खनिज संपदा से जो हमको रॉयल्टी मिलता है, ये उसका पैसा था, ये आपका पैसा था। अगर ये पैसा हेमंत जी को दे दिया जाता पिछले इतने वर्षों का जब से ये झारखंड बना है, तो मुझे लगता आज जिस त्रस्त हालत में हमारी झारखंड की जनता हमेशा अपने चीजों को, जरूरतमंद चीजों को मांग रही है, उसको मुझे लगता है हाथ फैलाना नहीं पड़ता। लेकिन हमारे झारखंड के साथ तब सौतेला व्यवहार होता है जब हेमंत जी, आप लोगों का दादा, आपका बेटा, आपका भाई मुख्यमंत्री बनता है, क्योंकि बीजेपी वालों को आदिवासी शब्द से ही चिढ़ है। आप लोगों को पता ही होगा ये हम लोगों को आदिवासी नहीं बोलते हैं, ये हम लोगों को वनवासी बोलते हैं। आदिवासी शब्द से ही चिढ़ है बीजेपी वालों को, और तिरसना बोल रहे हैं वहां पे, और ना तो चता पे नुकू बोलो, खाली आदिवासियां वोट हटाओ लगी, पिछड़ा दलित्रिया वोट हटाओ लगी, सनम अबुआ भिसोरिया वोट हटाओ लगी, कि नीतो तो मीठा मीठा कथा ने बोले डाको अनितो आपे चेता लगे ना नवा 5 साल लिया मीट आपे दाड़े उन्हें 25 तारीख खिचू करना उन्हें दाड़े रे आपे दो नोट ले आप और जहाँ प्रत्याशी नया उन्हीं तो वोट है माए पे अच्छे लगे उन्हें बताई करे। कोरोना जब यहाँ पर मैं शुरू हुआ उसी समय हमारी सरकार भी बनी थी, आपकी अपनी सरकार बनी थी, आपका अपना भाई, अपना दादा मुख्यमंत्री बना था, वो आशीर्वाद आप ही लोगों ने दिया था कि नहीं दिया था ना, इस उम्मीद के साथ कि अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन किस्मत देखिए कोरोना आ गया जब काम करने का वक्त था, 2 साल कोरोना में निकल गए, लेकिन कोरोना में भी आपको मैं बता देना चाहती हूँ, आपका ये भाई हमारे झारखंड में भी किसी को भूखे पेट मरने नहीं दिया था। हमारे यहाँ की दीदी किचन चलाया था उन्होंने, और दीदी किचन के साथ हमारे सुरक्षा कर्मी भी थे, हमारे स्वास्थ्य सेवियाएं भी थी, और सब लोगों ने अपनी जान प्राण लगा करके अपनी चिंता ना करते हुए झारखंड वासियों की चिंता की, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा था उसको खाने का दिया ताकि वो भूखा पेट ना सो पाए, वो भूखा से मर ना पाए। और आपको ये जान करके खुशी होगी कि कोरोना के ऐसे भीषण परिस्थिति में भी झारखंड से किसी के भूखे पेट मरने की खबर नहीं आई थी, और ये काबिले तारीफ है, ये काबिले तारीफ है आप लोगों से। आप ऐसी भीड़ में ही बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कोरोना में अपनी सहायता दी होगी, सामाजिक संस्थाएं भी चली, हमारे स्वास्थ्य कर्मी भी, हमारे दीदियां भी किचन चला करके अपने परिवार, अपना जान प्राण छोड़ करके सबके बारे में चिंता किया, और आपके दादा भी यही कर रहे थे, उन्होंने भी हम लोगों को घर में सुरक्षित करके बाहर निकल गए, और बाहर
से जिसने जनादेश दिया हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनने का गौरव दिया अपनी जनता के लिए। और आप ये सोचिए वो ऐसा संवेदनशील व्यक्ति है आपका बाबू, आपका हेमंत बाबू, कि बाहर में भी हमारे मजदूर लोग जो फंस गए थे जिसकी कोई सुत लेने वाला नहीं था, आप लोगों ने देखा ही था कितना कितना न्यूज था, आप लोगों भी बहुत सारे लोग बाहर फंसे होंगे, अपने परिवार से अलग रहे होंगे। उस वक्त में भी हेमंत बाबू को अपने मजदूर भाई जो लोग बाहर फंसे हैं उनको बाहर से लाने की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कौन पूछता है मजदूर को, कौन पूछता है किसान को, कौन पूछता है गरीब को, लेकिन पूछने वाला उसका हेमंत दादा वहां खड़ा था। और आपको पता ही है बस से लाया गया, ट्रेन से लाया गया, हवाई जहाज से लाया गया, और ये वही बेटा है, ये ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसको आप लोगों को गौरव होना चाहिए कि अपने लोगों के लिए उसने वहां खड़े होकर के सबका स्वागत भी किया, उनको एक एक करके पूछा भी। और कोरोना ऐसे ही खत्म होता है, हाँ अभी मैं आऊंगी उसमें भी आऊंगी, मैं बताऊंगी आखिर में आप लोगों को कि आपका जब हमारी झारखंड की यहाँ सरकार बनी, यहाँ पे भैया भी है धर्म कोड, सरना आदिवासी धर्म कोड को पास कराने का काम किया, पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण विधानसभा से पारित कराया, लेकिन सब पारित कराया वो जाकर के राजभवन में जाकर के रुक गया। अब राजभवन वाले किनके इशारे पे चलते हैं, किनका मान रखते हैं कि उनको झारखंड के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। आज ये जो चुनाव हो रहा है ये चुनाव मुद्दाहीन हो गया है झारखंड में, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं और झारखंड के लोग कैसे जी रहे हैं, यहाँ के लोगों की क्या जरूरतें हैं, यहाँ के लोगों की क्या मुद्दे हैं, इस पे कोई बात नहीं करना चाहता है। लेकिन अब आपको अपनी आंखें खोलनी है, अगर इस बार आप चूक गए तो 5 साल तक रोइएगा, फिर उस समय बचाने के लिए हेमंत सोरेन भी नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने हेमंत सोरेन को भी जेल में भेज दिया है। और जेल में भेजने का काम किसने किया, क्योंकि ये गरीब बेटा है जिसने झारखंड में हमारे सभी माताओं बहनों बड़े बुजुर्गों को पेंशन देने का काम किया, 36 लाख लोगों को, 36 लाख लोगों को, 36 लाख है ना, 36 लाख लोगों को ना पेंशन देने का काम किया है। मैं आंकड़ा शायद से भूल रही हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन सर्वजन की पेंशन झारखंड में अगर खास करके एक माताओं बहनों के लिए अगर अलग से सोचा गया है तो उसको मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसकी उम्र 60 वर्ष से घटा करके 50 वर्ष की गई है, खास करके हमारी माताओं बहनों के लिए, क्योंकि किस तरीके से हेमंत जी ने अपनी माँ को खटते हुए देखा है, बचपन में अपनी दादी को खटते हुए देखा है, और मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है कि बुढ़ापे की लाठी यहाँ महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि 50 वर्ष आते आते आप लोगों के अकाउंट में पेंशन की राशि आनी शुरू हो जाएगी, और ये अगर आपको श्रेय देना है तो आपके दादा हेमंत सोरेन को आपको देना होगा। अब वो आवाज की बात अगर आप करें, यहाँ पर मैं हमारे अब वो आवाज का जो पैसा था राशि थी, बीजेपी वालों ने हमारी राशि झारखंड की काट करके उसका पैसा काट के उसकी निधि को काट करके अपने भाजपा शासित प्रदेशों में डाल दिया। ये है बीजेपी का सोच। और वही आपके हेमंत दादा ने 20 लाख परिवारों को इसे जोड़ने का काम करने वाली है, और आप लोगों को खुशी होगी कि अबुआ आवास जिनको मिलेगा उनको 2 नहीं 3 कमरे का अबुआ आवास मिलने वाला है, और जितने भी लोग इसके लाभार्थी होने वाले हैं आप लोग गर्व से अपने ऊपर एक मजबूत छत पाएंगे। हरा राशन कार्ड की बात हो, हमारे 11 लाख लोगों का हरा राशन कार्ड डिलीट कर दिया गया बीजेपी वालों ने, लेकिन आपके हेमंत सोरेन जी ने 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड देने का काम किया है। आप ये फर्क देखिए, ये मानसिकता देखिए, ये बीजेपी वालों की मानसिकता।
आते हैं।